एसडीएम साहब को गुस्सा आया तो बन गए बाहुबली। बाहुबली यहाँ हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे, असल दुनिया की बात कर रहे हैं। खुद को बाहुबली समझ बैठे बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी को आम जनता पर लाठी बरसाना महंगा पड़ गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, कोविड संक्रमण से बचने के लिए चौधरी शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कई लोगों पर डंडे से प्रहार किया। पूरे घटनाक्रम की बात करें तो बलिया में बृहस्पतिवार को पुलिस के साथ सड़क पर उतरे एसडीएम अशोक चौधरी का कहर आम जनता के साथ कार्यवाही पर भी टूट पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर तहसील में आए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, इस दौरान बुजुर्गों को भी नहीं बसका गया। तहसील के बाहर से दुकानों पर मौजूद कारोबारी को भी दुकानों से निकाल निकाल कर पीटा। इस दौरान एसडीएम तो लाठियों से पीटते ही रहे, उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी जमकर डंडे बरसाए। कई दुकानदारों के चोटें भी आए हैं। सामने आए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने मास्क भी लगा रखा है और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी एसडीएम अशोक चौधरी ने जमकर लाठियाँ चलाईं। इस दौरान एसडीएम साहब पर रौब दिखाने का ऐसा जुनून दिखा कि ना तो उन्हें बुजुर्ग दिखा ना ही महिलाएं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। खबर जब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची तो बलिया के एसडीएम पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। यहां सवाल बनता है, इन बेलगाम अधिकारियों को अपनी कुर्सी का इतना रौब मिलता कहां से है?